क्या भारत सरकार आपके कथनानुसार जो मदरसे को पैसा देती है क्या उससे आतंकी पैदा होते हैं? तो पैसा देने का गुनाह आप क्यों करते हैं? दूसरा सवाल है कि पीएफआई का कार्यालय कहाँ था? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति का कलेजा खामोश था? क्या 2020 में पीएफआई की रैली रामलीला मैदान नई दिल्ली में हुआ, नारे लगाए गए लेकिन आदरणीय अमित शाह जी की जुबान कैद खाने में कैद हो गई? और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। एनआईए के द्वारा बिहार में जिस तरह से मोतिहारी में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी चल रही है और तीनों को गिरफ्तारी किया गया है, उसके बाद बिहार विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मदरसों का पैसा बिहार सरकार के दिया जाता है वो इसी तरह से मुसलमानों को आतंकवादी संगठनों के बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसी को लेकर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पर विजय सिन्हा पर हमला बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार के भी द्वारा मदरसों में पैसा दिया जाता है, तो क्या इसी तरह के आतंकवादी को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है? क्या कुछ करें नीरज कुमार, पहले सुनिए उनकी बातों को। पक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, आपका कथन है कि मदरसा में अनुदान दिया जाता है उससे पीएफआई के आतंकी पैदा होते हैं, तो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मदरसा को अनुदान दिया जाता है। क्या भारत सरकार आपके कथनानुसार जो मदरसे को पैसा देती है क्या उससे आतंकी पैदा होते हैं? तो पैसा देने का गुनाह आप क्यों करते हैं? दूसरा सवाल है कि पीएफआई का कार्यालय कहाँ था? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति का कलेजा खामोश था? क्या 2020 में पीएफआई की रैली रामलीला मैदान नई दिल्ली में हुआ, नारे लगाए गए लेकिन आदरणीय अमित शाह जी की जुबान कैद खाने में कैद हो गई? और साथ ही साथ पीएफआई का उद्भेदन बिहार सरकार ने किया, हमने गिरफ्तारी सुनिश्चित किया, बाद में अपने कार्रवाई सुनिश्चित किया, क्योंकि कर्नाटका के अंदर में बम विस्फोट में पीएफआई का नाम आया था लेकिन हिम्मत नहीं थी केंद्र सरकार को और वहां की राज्य सरकार को कार्रवाई करने का। सच तो यह है, इस बात की जांच होनी चाहिए कि पीएफआई का युवा संगठन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता था जिसकी कहानियां मीडिया में आई थी। हिजाब के मामले का कस की शुरुआत करो और इसके बहाने चुनाव की राजनीति में सफल हो, इसलिए आपका संबंध तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बेहतर रहा है। तो आपने साफ तौर पर सुना जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से 2020 में रैली हुआ था पीएफआई के दिल्ली के रामलीला मैदान में, उस समय अमित शाह खामोश रहे थे। यही पटना है जहां बिहार सरकार के द्वारा ही पीएफआई पर कार्रवाई किया गया और कई लोगों को गिरफ्तारी भी किया गया था। तमाम खबरों के बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।